बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। पर्यटन में तेजी लाने के लिए सरकार अब नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की भी तैयारी में जुट चुकी है। जी हां, बता दें इसके लिए जयपुर शहर के बीचों बीच बसे हुए स्थित तालकटोरा को संवारने का फैसला भी लिया गया। राजधानी जयपुर शहर के बीचों बीच बसे तालकटोरा के दिन अब जल्द ही फिरने वाले हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तालकटोरा की सूरत और सीरत बदलने का प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया गया। पर्यटन निगम को इसके लिए कार्यकारी एजेंसी भी बनाया गया है। पर्यटन निगम ने भी तालकटोरा के सौंदर्यीकरण के लिए 18 करोड़ से भी ज्यादा के टेंडर को पास कर दिया, जिससे गंदे पानी और मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके तालकटोरा का सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया जाएगा। इसे न केवल तालकटोरा की सूरत बदलेगी बल्कि परकोटे के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के तौर पर इसे उभारने का एक बड़ा अवसर प्रदान होगा। तालकटोरा प्रोजेक्ट बेसिकली है स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। ये स्मार्ट सिटी ने आरटीडीसी को एजेंसी तैयार किया काम करने के लिए। आरटीडीसी का एक्सपर्टीज है कंजर्वेशन के काम करने के लिए। और टोटल प्रोजेक्ट हमारा 21 करोड़ 48 लाख का है और टोटली सेंट्रली फंडेड प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी के तहत। इसमें अभी फर्स्ट फेज में हमने 18 करोड़ टेंडर लगाया है बेसिक किया है, जिसमें सिविल कपल का है। इसमें बेसिकली सबसे बड़ा काम है कि इसके अंदर जो स्लज जमा है उसको निकालना है। बसों से इसकी सफाई नहीं हुई और कम से कम 2 से 3 मीटर तक का स्लेज में इसकी हमने स्कैनिंग करा करके रिपोर्ट तैयार करी। और हमारे साथ निर्मल तिवारी जुड़ चुके हैं। बता दें जिस तरह से पर्यटन निगम ने तालकटोरा के सौंदर्यीकरण के लिए 18 करोड़ से भी ज्यादा का टेंडर पास किया है, चूंकि तालकटोरा जिस तरह से गंदे पानी और मलबे में तब्दील हो चुका था, लेकिन क्या मान लिया जाए इसके बाद ये उभर कर आएगा एक बड़े पर्यटन केंद्र के तौर पर? निश्चित तौर पर। देखिए ज्योति, सीधी बात यह है कि ये वो तालकटोरा है जिसको कभी शिकारगाह कहा जाता था। जयपुर के तत्कालीन जो सवाई जयसिंह द्वितीय जो महाराज थे उनका, उन्होंने यहीं पर बैठ के जयपुर किस तरह से बनेगा, क्या स्वरूप होगा, उसकी इबारत दिखी थी किसी समय। बहरहाल जो तालकटोरा है उसमें अभी तक चारों तरफ जो परकोटे का गंदा पानी जमा होता है और काफी मात्रा में वहां मलबा जमा हो गया है। अब स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है उसके तहत इसको 21 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास हुआ है, जिसमें से 18 करोड़ 18 लाख रुपए के टेंडर जो आरटीडीसी ने जारी किया, उनकी अभी फाइनेंशियल बिड खोली जा चुकी है। तकनीकी बिड जल्दी खुल जाएगी और कंडेलवाल कंस्ट्रक्शंस और एक और कंपनी है, दोनों के बीच में किसी एक को टेंडर दिया जाएगा। बड़ी बात यह है ज्योति कि जो तालकटोरा है उसमें अभी जो जितना मलबा है और जो जलकुंभी वहां जमी हुई है उसको सबको हटाया जाएगा और उसके बाद आसपास जो 52 ऐसे मकान चिन्हित किए गए हैं उनकी भी जो रंग शक्ल है वो एक सी होगी, यानी उनके ऊपर एक सा ही रंग होगा, एक सा ही उनका स्ट्रक्चर होगा। और तमाम जो गंदा पानी है उसको निकालकर इसकी जगह जो चौहान स्टेडियम के पास जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है वहां से साफ पानी ही इसके अंदर आएगा और इसी के पानी से पॉन्टिक उद्यान और जो जयनिवास उद्यान है उन दोनों के जो फव्वारे हैं वो भी चलेंगे। प्रोजेक्ट की अगर देखें तो प्रोजेक्ट के तहत जो बादल महल है उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसमें एक फ्लोटिंग एरिना बनाया जाएगा बीच में, जिसमें फ्लोटिंग जो फव्वारे हैं तैरते हुए फव्वारे अलग अलग रोशनी और रंग बिखेरते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इसमें बोटिंग भी चलाई जाएगी, कश्मीर के शिकारों की तर्ज पर यहाँ एक जो शिकारे चलाने की भी योजना है ताकि इसको एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा सके। कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो कि जो आने वाले जो 1-2 साल है उसके अंदर तालकटोरा की सूरत और सीरत दोनों बदलने वाली है और निश्चित तौर पर राजधानी जयपुर के जो आकर्षण है पर्यटन के उनमें एक और आकर्षण जो होगा वो तालकटोरा के रूप में जोड़ा जाएगा, जहां न केवल शहर के बीच में एक झील होगी, झील के अंदर बोटिंग होगी और तैरते हुए फव्वारे एक अलग ही शोभा, अलग ही एक जो आभा है उनकी नजर आएगी। निर्मल, जिस तरह से देखिए कोरोना काल में जरूर जयपुर में टूरिस्ट का जो कार्य है वो कम हुआ है, लेकिन वैसे जयपुर एक बड़े पर्यटन क्षेत्र के तौर पर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान रखता है, तो ऐसे में देखिए एक बड़ा पर्यटन क्षेत्र जुड़ जाएगा जो टूरिस्ट को लुभाने का काम करेगा। बिल्कुल ज्योति, देखिए जयपुर की बात करें तो जयपुर का परकोटा विश्व विरासत में शुमार है यूनेस्को की में, आमेर महल विश्व विरासत में शुमार है, जंतर मंतर विश्व विरासत में शुमार है और ये तो परकोटा का जो पूरा बफर और कोर जोन है जिसमें सिटी पैलेस है, जिसमें गोविंद देव जी खुद विराजते हैं जो जयपुर के आराध्य देव हैं, नहर के गणेश जी हैं, सिटी पैलेस है, हवा महल, तमाम जो ये जो परकोटे के आसपास के जितने भी स्मारक हैं वो तो सब इसमें निश्चित तौर पर। निर्मल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।